हेलो गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6A अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे गिवन है सब्ट्रैक्ट करना है 2A माइनस 3B प्लस 4C को फ्रॉम द सम ऑफ A प्लस 3B माइनस 4C एंड 4A माइनस B प्लस 9C एंड माइनस 2B प्लस 3C माइनस A से। ओके, तो पहले हमें यहाँ पर तीनों को ऐड करना है। इसके बाद से फ्रेंड्स जो भी आएगा उसमें से हमें सबट्रैक्ट कर देना है 2a माइनस 3b प्लस 4c को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे पहले हम ये तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे, इसके बाद से सभी के सम में से सबट्रैक्ट कर देंगे इस टर्म को। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट रिमूव करते हैं सारे। a प्लस 3b माइनस 4c प्लस हो जाएगा 4a माइनस b प्लस 9c प्लस माइनस माइनस 2b प्लस 3c माइनस ए। ओके, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 2a माइनस माइनस प्लस 3b प्लस माइनस माइनस 4c को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a वाले टर्म्स हम एक बार साथ में लिख लेंगे, a प्लस 4a माइनस ए। इसके बाद से b वाले लिखेंगे, प्लस 3b माइनस b माइनस 2b। c वाले लिखेंगे, माइनस 4c प्लस 9c और प्लस 9c प्लस 3c। ठीक है, इसमें से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने माइनस का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी कर लिया है, यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 4a प्लस a 5 हो गया। 5a से या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, बच गया 4a। यहाँ पे फ्रेंड्स प्लस 3b, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 3b, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, माइनस 4c प्लस 9 प्लस 3 आ गया प्लस 12c। माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c एज इट इज़ रहेगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो गया, माइनस 4 प्लस 12 आ जाएगा प्लस 8c। इसमें से हो जाएगा माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c। तो हम देखेंगे 4a माइनस 2a आ गया 2a, 3 वाला एक ही टर्म है, ऐसे लिख देंगे 3b प्लस 8c माइनस 4c आ जाएगा प्लस का 4c। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। इस तरह से हमने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया, हम एक बार एक जैसे टर्म्स को एक साथ लिख करके भी कर सकते थे, जैसा कि 4a माइनस 2a प्लस 3b प्लस 8c माइनस 4c। ये एक स्टेप हम यहाँ पे लिख सकते थे, इसके बाद से ये वाला स्टेप आ जाता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ये डायरेक्ट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से अब कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने लिया था एक्सरसाइज 6A से अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 की बुक है फ्रेंड्स RS अग्रवाल की। इसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ 8m माइनस 7m प्लस 6p स्क्वायर एंड माइनस 3m माइनस 4n माइनस p स्क्वायर को फ्रॉम द सम ऑफ 2m प्लस 4n माइनस 3p एंड माइनस m माइनस n माइनस p स्क्वायर को। ओके फ्रेंड्स, तो पहले ये दोनों को सम करके हम साइड में रखेंगे, इसके बाद से ये दोनों का सम करके साइड में रखेंगे और फिर इसके बाद से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है इधर वाले सम में से, ये जो हमने पहले सम फाइंड किया था उसको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे डायरेक्ट एक इक्वेशन टाइप भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये फ्रेंड्स, ये फर्स्ट दो टर्म्स जो हैं इनके सम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम लिखेंगे ये दोनों टर्म्स का सम। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इज इक्वल टू करके हम लिख सकते हैं 2m प्लस 4n माइनस 3p स्क्वायर में हमें ऐड क्या करना है, माइनस m माइनस n माइनस p स्क्वायर, और ये दोनों के सम में से हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है वो क्या करना है, 8m माइनस 7n प्लस 6p स्क्वायर प्लस इसमें करना है माइनस 3m माइनस 4n माइनस पी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन।
ये दोनों का सम जो भी आएगा उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है ये दोनों के सम को। ओके तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, 2m प्लस 4n माइनस 3p² एज इट इज़ है, प्लस माइनस माइनस m प्लस माइनस माइनस n प्लस माइनस माइनस p². ओके इसके बाद से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8m माइनस 7n प्लस 6p² प्लस माइनस माइनस 3m प्लस माइनस माइनस 4n प्लस माइनस माइनस p². ओके फ्रेंड्स ये हो गया, कॉमन टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, 2m माइनस m प्लस 4n माइनस n माइनस 3p² माइनस p², इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। इसके बाद से यहाँ पे 8m माइनस 3m माइनस 7n माइनस 4n प्लस 6p² माइनस p², ओके इसके बाद से क्या आ जाएगा, 2m में से m जाएगा बचेगा m, यहाँ पे 4n में से n गया बच गया 3n माइनस 3p² माइनस p² ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा 4p², ठीक है। ये ब्रैकेट में हमने डाल दिया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 3 5m माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11n प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5p², देन क्या हो जाएगा, m प्लस 3n माइनस 4p² में से माइनस करना हमें, माइनस 5m हो गया माइनस माइनस प्लस 11n माइनस प्लस माइनस 5p². एक बार फिर से सेम टर्म को साथ में लिखेंगे, m माइनस 5m प्लस 3n प्लस 11n माइनस 4p² माइनस 5p², यहाँ पे क्या आ जाएगा, m माइनस 5m माइनस का 4m प्लस 3 प्लस 11 आ गया प्लस 14n माइनस 4p² माइनस 5m माइनस 9p², ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।